Sankaram Sankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutravasyo Krito Vande Bhagavanto Punah Punah. Swami Vivekananda प्रायः कहा करते थे, रिलीजन इज द लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, धर्म वह भारत की रीढ़ की हड्डी है. जैसे बिना रीढ़ की हड्डी मनुष्य पंगु हो जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही जीवन की जो धारा है, सेंसेशन है, एक्शन है, संवेदना है, क्रिया शक्ति है, जो शरीर को चालित रखता है और जीवित रखता है, वह नहीं रहती. ऐसे ही धर्म वह भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का जीवन स्रोत है. आर्य सभ्यता कुछ सदियों की सभ्यता नहीं है, एकाध दो हजार साल की भी सभ्यता नहीं है, ये हजारों साल की सभ्यता है. जहाँ इतिहास भी पीछे छूट जाता है, जहाँ पुराण और पौराणिक युग भी पीछे छूट जाता है, वैदिक काल से ये संस्कृति का आरंभ है. और ये ऐसी अद्भुत संस्कृति और ये ऐसा अद्भुत सनातन धर्म है जिसका कोई स्थापक नहीं है. बिना स्थापक, बिना ऑर्गेनाइजेशन, हजारों साल से एक धर्म को जीवित रहना और सातत्य बना रहना, ये एक चमत्कार है, एक मिरेकल है. क्योंकि इतिहास में परिवर्तन होता रहता है, समाज में अप डाउन बनी रहती है, मगर ये सनातन धर्म वह ऐसा धर्म है जहाँ इस धर्म को जीवित रखने वाली शक्तियाँ ईश्वर के अवतार, आत्मज्ञानी ऋषि मुनि, योगियों, भक्तों की एक ऐसी अटूट परंपरा है जे ये धर्म सदा जीवित रहता है. ऐसी परंपरा में, ऐतिहासिक काल में भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ. आज ऐसे इतने हजारों साल से जो संस्कृतियां चली आती है, इसमें विभिन्न कारणों से अप डाउन बना रहता है. भारतीय इतिहास में एक अति विशिष्ट महापुरुष का जन्म हुआ था जिसका नाम भगवान बुद्ध था, जो एक राजकुमार थे, जिनकी का व्यक्तित्व, उनकी ज्ञान की ऊंचाई, उसके धर्म की सरलता, उनका प्रेम, उनका सेवा, उनकी करुणा का उपदेश भारतीय समाज के ऊपर में बहुत ही प्रभावशाली था.
और ऐसी महान व्यक्ति का प्रभाव के कारण से भारत के बहुत से राजाएं और बहुत बड़ा भाग बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। मगर जैसा कि होता है धर्मों में प्रायः देखा जाता है, बौद्ध धर्म की भी अवनति का काल आया और उसमें विभिन्न शाखाएं हो गई और अपने धर्म का जो मूल शुद्धत्व महत्व और मनुष्य चेतना को ऊंचे उठाने की जो शक्ति थी वो हराई गई। और दूसरी ओर से भारतीय सनातन धर्म को इतनी हानि कर दी कि सनातन धर्म भी जैसे कि लुप्त प्राय होने के कगार पे आ गया। ऐसे समय में शंकराचार्य का आविर्भाव होता है। ये एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है और उनका ऐसा प्रभाव भारतीय संस्कृति के ऊपर में, धर्म के ऊपर में पड़ा, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी आध्यात्मिकता, अपनी व्यावहारिकता, ऑर्गेनाइजेशनल पावर से ये संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया। भारतीय इतिहास में संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले ऐतिहासिक काल में तीन व्यक्ति हम पाते हैं जिसका प्रभाव पूरे भारत की संस्कृति और धर्म के ऊपर पड़ता है। इसमें प्रथम शंकराचार्य का नाम हमको मिलता है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करके बौद्ध धर्म को ऐसे परास्त कर दिया अपने शास्त्र ज्ञान और अपनी तर्क शक्ति और अपने महान व्यक्तित्व से, जो वह भारत से प्राय लुप्त प्राय हो गया। मगर ये धर्म भी थोड़ा जातीयवाद, थोड़ी संकुचितता, संकीर्णता, ऐसे में फंसते फंसते उसमें भी थोड़ा डाउन पीरियड आ गया भारतीय संस्कृति का। तब ये संस्कृति को फिर से एक नई दृष्टि से उस समय के नए युग के को उठाने के लिए एक दूसरे महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिसको सामान्यतः इतिहास में उपेक्षा की जाती है। वह है गोरखनाथ। भारत के ऊपर में जैसे शंकराचार्य का व्यापक प्रभाव है, ऐसा ही व्यापक प्रभाव गोरखनाथ और गोरख परंपरा नवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ से लेकर के गैनीनाथ तक, ये जो परंपरा है ये पूरे भारत में छा गई थी। और गोरखनाथ का जो देन है भारतीय धर्म को, वो एक विशिष्ट देन है। गोरखनाथ ने इतनी साधना प्रवृत्तियों का आविष्कार किया। गोरखनाथ आविष्कारक है, शंकराचार्य परंपरा के स्थापित करने वाले स्थापक हैं, मगर गोरखनाथ वो आविष्कारक है। योगों की विभिन्न प्रक्रिया, विभिन्न मुद्रा, कुंडलिनी जागृति का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, जाति निर्विशेष धर्म को समाज के साथ में रखना, ये गोरखनाथ ने किया, ये शंकराचार्य ने नहीं किया था। वो ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणत्व प्रधान धर्म था, सबका स्थान था, मगर ब्राह्मणत्व प्रधान धर्म था। इतिहास के ओ काल में शंकराचार्य को उतनी संकीर्णता लेनी पड़ी थी क्योंकि इतिहास की भी एक एक मांग होती, एक एक समय में हम लोग एक एक तरह का ही उपदेश दे सकते हैं। जब गोरख का समय आया था तब मुस्लिम भी ये भारत देश में आ गए थे और एक नई समाज की आवश्यकता बन गई थी, जो जाति निर्विशेष एक धर्म जो मात्र वेद के ऊपर में ही प्रस्थापित नहीं, उन्होंने अपना तंत्र दिया, शैव तंत्र दिया और पूरे भारत में छा गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह में गोरख का प्रभाव था क्योंकि उनकी परंपरा में ऐसे नौ महापुरुष का आविर्भाव हुआ था जिन्होंने पूरे भारत की संस्कृति को प्रभावित कर दिया था।
ये गोरख के प्रभाव से ही नानक, कबीर, मीरा, पलटू, रईसदास इत्यादि ये परंपरा के अंदर में है जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत को प्रभावित कर दिया था। महाराष्ट्र और साउथ में उनका प्रभाव काफी रहा। अंतिम उनके गुरु गैनीनाथ उनके ही शिष्य के शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज थे, और ज्ञानेश्वर महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के जो संतों की परंपरा महाराष्ट्र में बाद में चालू हुई, ये पूरी की पूरी परंपरा नाथ संप्रदाय से प्रभावित है, जिसमें भक्ति भी है, जिसमें योग भी है, जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें साधना भी है। ये मल्टी डायमेंशनल रिलीजन गोरखनाथ ने दिया था। तो ये मल्टी डायमेंशनल रिलीजन का कारण से ही मध्य युग में जो भारत में सनातन धर्म बना रहा और सक्षम रूप से बना रहा, इसमें गोरखनाथ और गोरखनाथ की परंपरा में आए हुए गुरु का बहुत ही बड़ा अनुदान है। और इसके बाद में जो तीसरे महापुरुष आते हैं, ये मैं यही इन्हीं महापुरुषों की गणना कर रहा हूं जो पूरे भारतीय संस्कृति के और धर्म के ऊपर में व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं है जो नानक का प्रभाव नहीं पड़ा था मगर एक ग्रुप में सीमित रह गया। ऐसा नहीं है जो कबीर का प्रभाव नहीं पड़ा था मगर वो सीमित जगह में रह गया। मगर ये ऐसा प्रभाव नाथ संप्रदाय का था जो पूरे भारतवर्ष में उनका व्यापक प्रसार हो गया, क्योंकि परंपरा में सिद्ध गुरुओं का अटूट एक परंपरा चली रही थी, इसलिए उनका प्रभाव बहुत ही भारी रहा। मगर जैसे इतिहास का और धर्म का स्वभाव हम लोग देखते हैं, धर्म धीरे 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 डाउन होते होते स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के टाइम में आते आते ये फिर लुप्त प्राय होने की दशा में आ गए, और स्वामी विवेकानंद ने फिर अपने प्रवचनों से, रामकृष्ण की अनुभूतियों का प्रकाश से और अपना व्यक्तित्व से भारत में पुनर्चेतना जागृत कर दी। एक नया भारत का विजन दर्शन पूरे भारत को दिया और फिर भारत जाग उठा। ये परंपरा में ऐतिहासिक काल में शंकराचार्य वह प्रथम है, और ये उस युग की बात है जब न तो टेलीफोन थे, न टेलीग्राफ थे, न इलेक्ट्रिसिटी थी, न आज के जैसा रोड थे, न आज के जैसी वाहन व्यवस्था थी, चल के सब जगह में जाना पड़ता था। शिक्षा लेने को जाने होने पर भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। शंकराचार्य का साउथ इंडिया में, केरला में, इस समय में जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, आज जिसको हम लोग चाइल्ड प्रोजिडी बोलते हैं, वो चाइल्ड प्रोजिडी है। शायद चाइल्ड प्रोजिडी शब्द भी थोड़ा सा छोटा शब्द है, क्योंकि शंकराचार्य को भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, इसलिए ये अवतारी पुरुष है, पैगंबर पुरुष है, जिनको एक अधिकार होता है। और शंकराचार्य जब बोलते थे, और शंकराचार्य जब किसी से बातचीत करते थे, व्याख्या करते थे या भाष्य और टीका लिखते थे, तब उसमें एक अधिकार की भाषा रहती थी। शास्त्र का ऐसा समग्र रूप से ज्ञान बहुत ही कम व्यक्ति को रहता है। हिंदू शास्त्र का ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें शंकराचार्य पारंगत न हो छोटी उम्र से ही। और बुद्धि की ऐसी प्रखरता जो उनके सामने कोई भी व्यक्ति तर्क में जीत नहीं सकता, न तो शास्त्र ज्ञान में जीत सकता है, मगर दूसरा व्यक्ति सामने शास्त्र को जानने वाला भी हो, मंडन मिश्र जैसे थे, मगर वहां भी शंकराचार्य के तर्क के सामने किसी को खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं था। ये सामर्थ्य लेकर के उन्होंने भारत के जो प्रधान ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के ऊपर में भाष्य लिखे। ये दार्शनिक साइड है, तर्क की साइड है, उहापोह विचारों की और दर्शन की उहापोह
उसमें अपने पक्ष का स्थापन है, विपक्ष का खंडन है, ये खंडन मंडन का पूरा उनका उहापोह था। सामान्यतः जिसमें ऐसी तर्क की और शास्त्र ज्ञान की क्षमता होती है उसमें काव्य शक्ति का अभाव पाया जाता, मगर शंकराचार्य में ऐसा नहीं था। शंकराचार्य जैसे उच्च कक्षा के दार्शनिक थे, तार्किक थे, ऐसे ही उच्च कक्षा के कवि भी थे, जिन्होंने कितने स्तोत्र रचे और अति सुंदर स्तोत्र रचे जो पूरे भारत में अभी भी गाया जाता है, और ऐसे प्रकीर्ण ग्रंथ लिखे जिसमें वेदांत को बहुत सरलता से आम जनता भी समझ सके, ऐसे उन्होंने ग्रंथ रचना की और भारत का दर्शन को एक नया ही आयाम दे दिया, अद्वैत आयाम। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से अद्वैत आयाम और काव्य इत्यादि की दृष्टि से भक्ति का आयाम, भक्ति और ज्ञान शंकराचार्य ने दोनों दिए। मगर ऐसे करके तर्क से, दर्शन से धर्म की स्थापना बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती। वे एक बड़े ऑर्गेनाइजर भी थे और जो परंपरा और जो विचार धारा अद्वैत उन्होंने स्थापित की, आधारित उनको कंटिन्यूएशन सातत्य बनाए रखने के लिए भारत के चार कोने में चार मठ की स्थापना की और उसमें पूरे देश को विभाजित कर दिया, जो एक मठ के अंदर में भारत का इतना भाग रहेगा, ये मठ में इतना भाग रहेगा और ये इसके अंदर में ऐसे ऐसे सब रहेगा, एक राजा का जैसा सबको अपना अपना भाग दे दिया। वहाँ धर्म बने रहे, सनातन धर्म की स्थापना बनी रहे, अद्वैत ज्ञान की परंपरा बनी रहे, इसलिए चार मठ का उन्होंने स्थापन किया। जगह जगह में मंदिरों का पुनर्उद्घाटन और पुनर्वास किया, जो जीर्ण साई मंदिर जैसे केदारनाथ का मंदिर है वो शंकराचार्य ने तो जाकर के पुनर्निर्माण किया और परंपरा चालू की और साउथ से पुजारियों को लेकर के वहाँ पूजा में लगाया केरला से जाकर के। ऐसे बहुत जगह में मंदिरों की स्थापना की, विद्यालयों की स्थापना की और ये स्थापना करके धर्म को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर में उन्होंने रखना। साहित्य में उनका इनकी जो दखल, जैसे दर्शन शास्त्र में वैसे काव्यों में, ऐसे जो काव्य उन्होंने लिखा उसमें एक काव्य बहुत ही प्रचलित रह गया, हो गया है भारत में, जगह जगह में वो गाया जाता है। और वेदांत का जो दार्शनिक ज्ञान है, उस दार्शनिक ज्ञान में से सब दार्शनिक उहापोह को छोड़ करके आत्मज्ञान पाने की प्रक्रिया को प्रस्थापित करना और उसमें क्या क्या बाधा है, उस बाधाओं को हटाने के लिए एक शिक्षा देना, ऐसा एक प्रक्रिया ग्रंथ उन्होंने लिखा काव्य के रूप में, जिसका नाम है भज गोविंदम मूढ़मते। एक सुंदर कहानी है इसके पीछे। अरे भज गोविंदम काव्य लिखा गया था यही काशी में, जहां अभी हम लोग हैं, शंकराचार्य काशी में रहते थे। काशी का महात्म्य तो वर्णन किया नहीं जा सकते, भारत के सब महापुरुष काशी में आए थे, शंकराचार्य यहाँ रहते थे, रोज गंगा स्नान करने को जाते अपने शिष्यों के साथ में, और फिर वहाँ जो कुछ भी धार्मिक क्रिया करनी होती थी करके वापिस आते। ऐसे एक दिन वाराणसी के कोई रास्ते से जाते जाते एक जगह से कोई वयस्क व्यक्ति ग्रामर का उच्चारण कर रहे थे, ग्रामर सीख रहे थे, दुक्रिंकरणे व्याकरण सीख रहे थे। शंकराचार्य ने देखा, अरे इनकी तो उम्र होने को आई है और इतनी उम्र में ही इनको ये दुक्रिंकरणे सीखना पड़ता है, इसका मतलब जो ये ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, मूढ़ है।
नहीं तो इतनी वृद्धावस्था में और जो सीखने वाला उस युग में निश्चय ब्राह्मण रहा होगा, क्योंकि ब्राह्मण ही उस समय में संस्कृत ज्यादातर सिखा करते थे। और क्योंकि बिना संस्कृत को तो शास्त्र को समझना उस समय में संभव नहीं था, क्योंकि संस्कृत में जो धर्म शास्त्र है उसकी प्राकृत भाषा में अनुवाद करने का नियम नहीं है, इसलिए आम जनता को तो ये शास्त्रों का अनुवाद मिल नहीं सकता था। ये नियम को प्रथम तोड़ा ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का मराठी भाषा में अभंग में रचना करके, इसको फिर दूसरा तोड़ा रामायण की रचना करके तुलसीदास ने हिंदी भाषा में, मगर उस समय में तो संस्कृत सीखनी पड़ती थी और ये वृद्धावस्था में संस्कृत का दुकरिंग करने तो शंकराचार्य के मन में करुणा आ गई, गुस्सा भी आ गया। अरे मृत्यु का समय पास में आ गया है उसका, और मृत्यु का समय में कहाँ भगवान का नाम लेगा, उसके बदले अभी दुकरिंग करने अभी छोड़ो ये व्याकरण। व्याकरण से भगवान प्राप्त नहीं होता, व्याकरण से भगवान प्राप्त करने की समझ के जो शास्त्र है वो समझने में सहाय मिलती है, मगर व्याकरण संस्कृत का इतना विस्तारित और गहन और कठिन है समझना, अगर कम बुद्धि वाला आदमी होने से जल्दी समझ में नहीं आता है, बरसों लग जाते हैं सीखने में तब कहीं शास्त्र। और ऐसे बरसों सीखते और फिर शास्त्रों को मेमोराइज करते करते इनकी बौद्धिक शक्ति का इतना विकास हो जाता है जो ये किसके लिए मैं सीख रहा हूँ वो भूल ही जाता है। तो उनको देख करके शंकराचार्य गान कर रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुक्रिं करने। हे मूर्ख मानव मूढ़मते, गोविंद को भजो भज गोविंदम, गोविंद को भजो भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी, नहीं रक्षति दुक्रिन करने, जब मृत्यु का समय आ जाएगा, निर्धारित काल का समय जब आ जाएगा, तब ये दुक्रिन करने तुमको ये मृत्यु के मुंह से बचा नहीं सकेंगे। नहीं रक्षति दुक्रिन करने, मनुष्य जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक एक रहस्य बना रहता है, भविष्य में क्या होने वाला है मनुष्य नहीं जानता। जैसे जैसे उनके जीवन की किताब खुलती जाती है और ऐसे ऐसे उनके सामने जीवन का सब खेल है वो खुलता जाता है और जीवन जीता है, मगर उसमें क्या क्या परिवर्तन हो गए और कैसा मेरा जीवन जाएगा मनुष्य जानता नहीं है, एक अज्ञान दशा में रहता है। मगर ये पूरे मनुष्य जीवन के ड्रामा में एक वस्तु निश्चित है और वह डिक्लेयर्ड ट्रूथ है, कल क्या होगा मालूम नहीं, एक महीना के बाद क्या होगा मालूम नहीं, एक साल के बाद में क्या होगा वो मालूम नहीं, मगर जीवन के अंत में क्या होगा हम सबको मालूम है और वह है मृत्यु। मृत्यु निश्चित है, सन्निहिते संप्राप्ते सन्निहिते काले, सन्निहिते मने जो निश्चित हो गया है, सन्निहिते काले जो मृत्यु का काल निश्चित हो गया है तो वो आने ही वाला है, फिर उससे तुमको कोई नहीं बचा सकेगा, उसकी तैयारी करो। काल ऐसा शब्द है संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में भी जिनके दो अर्थ होते हैं, काल समय को भी हम बोलते हैं, काल यमराज को भी बोलते हैं, हिंदी में काल बोलते हैं, तो काल तुम्हारा आकर के खा जाएगा तुमको तब यमराज होते हैं, और काल या काल
ये समय को भी बोलते हैं, कितना काल है, सुबह है शाम है, या कौन से युग का काल है। काल विभिन्न अर्थ में, ये संस्कृत भाषा की रिचनेस है। यहाँ काल का अर्थ मृत्यु होता है, संप्राप्ते सन्निहिते काले, जो निश्चित समय हो गया है तुम्हारा मृत्यु का, तब तो तुमको लेने के लिए आएगा, तब ये दुखकरण नहीं बचाएगा, तुम कहाँ भी भागो मृत्यु तुमको वहां पकड़ लेगी। एक राजा था, उनको एक बार स्वप्न आया। स्वप्न में यमराजा ने, मृत्यु के देवता ने उनको दर्शन देकर के बोला, ये कल शाम को मैं तुमको लेने आऊंगा। तो उनकी नींद खुल गई, अरे मृत्यु के देवता ने मुझको बोला है कल लेकर ने को मुझे आएगा, और इतना विविड स्पष्ट रूप से जीवंत जैसे उन्होंने वो स्वप्न देखा। दूसरे दिन सुबह में ही अपने मंत्री और जो श्रेष्ठ पंडित लोग और ज्योतिष शास्त्र थे, स्वप्न शास्त्र जानने वाले थे, सबको बुलाया, ऐसा सपना आया है। तो बोले महाराज लगता तो है आपका स्वप्न सच है, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र की गणना से भी ऐसा ही लगता है। जब आपको मृत्यु लेने को आएगी तो क्या करना चाहिए। बोले मृत्यु लेने का अगर यहाँ राजमहल में योग लिखा है, आप भागो यहाँ से, दूर चले जाओ। तो जो उनके पास में श्रेष्ठ घोड़े, उस समय में तो घोड़े ही थे, प्लेन हेलीकॉप्टर नहीं था, आज का राजा होने से हेलीकॉप्टर में भागता, तो घोड़ा, श्रेष्ठ घोड़ा लेकर के सुबह से दौड़ा 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 सैकड़ों किलोमीटर जाकर के एक जंगल का किनारा पे जाकर के खड़ा रह गया एक, और उतरा तो पेड़ के नीचे एक काला व्यक्ति खड़ा था, वही जो स्वप्न में आकर के दिखाई दिया था, वो वहां खड़ा है। तुम आ गया, मैं सोचता था जो तुम्हारी निश्चित घड़ी तो यहां लिखी हुई है, और इतना हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर दूर तुम कैसे आएगा। मगर देखो सन्निहिते संप्राप्ते सन्निहिते काले, तुम्हारा टाइम और स्थान निश्चित किया हुआ था, तुम आ गए, अब मैं तुमको लेके जाऊंगा। और राजा की मृत्यु हो गई, यमराज उसको लेके आ गया। आप कहीं पर भी भागो, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मृत्यु आने के पहले तैयार हो जाओ, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मन को भगवान में लगा दो, अध्यात्म में लगा दो, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, मेरा ये जीवन में आने का प्रयोजन क्या है, ऐसे सब प्रश्न लाओ और भगवान की भक्ति करो, आत्मचिंतन करो। मगर इसके बदले अगर खाली पांडित्य में हम समय बिता देंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत सी डिग्रियां लेंगे, एक एक डिग्री एक एक उपाधि होती है, डबल इमेट ट्रिपल ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, फिर उसने पीएचडी किया, और कितना कितना तरह के, कभी कभी हमारे पास में विजिटिंग कार्ड आता है तो उसमें लिखा रहता है, मैं ये था, मैं ये पास किया, ये डिग्री है। जितना ज़्यादा डिग्री उतना ज़्यादा अहंकार, इतना ज़्यादा मूड। जो परमात्मा को भूलेगा वह मूड, फिर उसका कितना भी ज्ञान हो, शास्त्र का भी ज्ञान हो, आत्मा क्या है परमात्मा क्या, वैचारिक ज्ञान से जीवन परिवर्तन नहीं होता। ऐसा एक बहुत बड़ा पंडित को एक बार नदी पार करना था, तो नौका ढूंढते ढूंढते एक नौका में एक फकीर बैठा था, नौका चलाता था, सूफी फकीर था। सामने पार जाना है, ले जाएगा, बहुत बड़ी माइटी रिवर थी, हाँ जरूर ले जाएंगे, आइए पंडित जी आइए बैठिए। और पंडित जी आके नौका में बैठ गए और पतवार चलाने लगे और अपना भगवान का नाम लिए जा रहा था और पतवार चलाए जा रहा था। तो पंडित तो अभी समय पार करना है तो बात करना है, तो पूछा, दे क्या बाबा जी आप कुछ, क्योंकि वयस्क आदमी था, आप कुछ शास्त्र वास्त्र पढ़ा है, ग्रामर ट्रामर कुछ पढ़ा है। ना बाबा, हम लोग ग्रामर ट्रामर, हम लोग शास्त्र कहाँ पढ़ेगा, हम तो कुछ नहीं पढ़ा।
बस ये नौका चलाता है और आप जैसे लोगों को पार करा देता है। अच्छा वो तो ठीक है, मगर कुछ पैसा तो आता होगा, पैसा का तो हिसाब भी रहना रखना पड़ा होगा। तो जब ये बोला जे शास्त्र और ग्रामर इत्यादि नहीं पढ़ा है, तो पंडित जी ने उनको बोला तुम्हारा तो 25% 25% जीवन तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुम कुछ पढ़ा ही नहीं है, 25% योर लाइफ इज लॉस्ट। फिर उनको पूछा अच्छा कुछ मैथमेटिक्स कुछ गणित तणित तो जानता होगा, क्योंकि पैसा का हिसाब करना है, कुछ बचता होगा उसको रखना पड़ेगा, भविष्य में क्या उपयोग, ये सब गणित तो जानता होगा। नहीं पंडित जी, हमको गणित की कोई ज़रूरत नहीं, रोज भगवान देता है और हम खा लेते हैं, खुदा देते हैं सुबह में, शाम को जो मिलता है दूसरे दिन उससे ही हम संसार चला लेते हैं, हमको पैसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी इतना जीवन तक जिस खुदा ने हमको दिया तो फिर आगे भी वही देगा, हमारी कोई चिंता नहीं है। तो पंडित जी ने बोला तुम्हारा दूसरा 25% लाइफ गया, पर 50% लाइफ व्यर्थ हो गया। अभी होना ऐसा था, उसी समय एक बहुत बड़ा तूफान उठा, कहाँ से आ गया तूफान, और नदी में बड़े बड़े ढेव उठने लगे और नौका ये डूबी वो डूबी होने लगी और अंदर में पानी भरने लगा। तब जो नौका चलाने वाला माझी था उसने कहा पंडित जी आप तैरना जानते हैं? ना मैं तैरना तो नहीं जानता है। तो आपका 100% डूबा, जीवन ही डूबा आपका, मैं तो ये चला, क्योंकि तब नौका डूब रही थी, वो तो जंप मार के निकल गया और तैरते तैरते पार हो गया, पंडित जी तो डूबा। तो संसार पार होने के लिए पांडित्य काम नहीं आता है, पांडित्य का जीवन चलाने के लिए हाँ पैसा का हिसाब करने के लिए जरूर है, मगर जब संप्राप्ते सन्निहिते काले वो जब आ जाएगा तो पांडित्य का कोई भी वहाँ पर उपयोग नहीं होगा। मगर आदमी समझता नहीं है, सुन के भी नहीं समझता है। हमारे सामने हम लोग रोज देखते हैं लोग मरते हैं, मगर फिर भी हमको अंदर में ये कन्विक्शन मन की गहनतम गहराई में ये नहीं उतरता है कि मैं भी मरने वाला हूं। यक्ष की कहानी महाभारत में बहुत फेमस है यही बात के लिए, जब वनवास में पांडव घूम रहे थे और चलते चलते दोनों सबको बहुत प्यास लगी, बहुत धूप थी, तब नकुल को बोला तुम जाके कहीं देखो पानी है कि नहीं। तो नकुल एक बड़ा पेड़ के ऊपर में उठ गया और सब और देखने लगा, बोले दूर पक्षी उड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं तो निश्चय वहाँ पर पानी होगा, तो वहाँ चले गया पानी लेने के लिए। तो जैसे ही पानी भरने पीने को जाता है तो एक अदृश्य आवाज आया, रुको पहले हमारे प्रश्न का जवाब दो, इसके बाद में पानी पियो। तो ये तो 5 पांडव महारथी सब है, ओ किसका परवाह है, तो पानी पीने को गया, बात नहीं सुनी और जैसे ही पानी पिया मर गया। ऐसे भीम, उसके बाद में नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब गए, तब युधिष्ठिर को हुआ जो बात क्या है, कोई वापिस नहीं आ रहा है, वो खुद गए वहां का। तब फिर यही आवाज आया, तो वो तो बहुत वाइज था, तो उन्होंने पूछा जो पानी पीने के आगे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर है, धर्म के बहुत व्यवहारिक बहुत सी बातें उसमें की गई है। अंतिम प्रश्न था ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज उनको युधिष्ठिर बोले ये सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है जो मनुष्य रोज देखता है अपने सामने दूसरे लोगों को मरते हुए, मगर फिर भी उसको कभी ऐसा होश नहीं आता है जो मैं भी मरने वाला हूं, और इसलिए वो संसार के जीवन में बंधा रहता है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुक्रिं करने, तो पांडित्य से भगवान लाभ नहीं होता, ये हमारे शास्त्रों में भी बार बार बोलते हैं। खाली पांडित्य से
जिसको हम लोग, जिस पंडित को गीता में बहुत ऊंचा स्थान दिया है, पंडितम समदर्शी, जिसको सबके अंदर में परमात्मा का दर्शन होता है, वो पंडित है। मगर दूसरा उसको ही अगर ये भाव में बोलना है तो एक पोंगा पंडित भी होता है। पोंगा मने बांस जो होता है अंदर उसमें खाली होता है, इसको पोंगा बोलता है। तो जिसका ज्ञान तो है, इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है मगर जीवन नहीं है। जीवन भोगों के अंदर में लिप्त है, जीवन वासनाओं और अहंकारों से लिप्त है। और फिर उसमें कितना भी पांडित्य हो, वह पांडित्य ये संसार सागर से पार नहीं कर सकता। अज्ञानी पार कर दे सकता है, जैसे नौका चलाने वाला माझी था, ये संसार के पार हो जा सकता है, क्योंकि उसके हृदय से परमात्मा का प्यार उठता है, प्रेम उठता है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, अगर ये ढाई अक्षर प्रेम का उसने पढ़ लिया और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, तब उसके अंदर से जो ईश्वर की पुकार उठती है वो आदमी तर जाएगा। शिव सूत्र बोल के यही नाथ परंपरा के अंदर में एक बहुत सुंदर पतंजलि योग सूत्र जैसा ही शिव सूत्र है। वह शिव सूत्र का दूसरा सूत्र एक अद्भुत स्टेटमेंट देता है। ज्ञानम बंध बोलता है, ज्ञान बंध है संसार में बांधने वाला। अभी ज्ञान कैसे बंध हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में तो बोलते हैं और विशेष करके वेदांत प्रक्रिया बोलती थी, वेदांत है ही तो ज्ञान मार्ग, और ज्ञान से ही तो मुक्ति होती है, क्योंकि वो ज्ञान पथ है। और उस ज्ञान पथ में वो ज्ञान की चर्चा करते करते जगत का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, ये सब विचार करते 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 धीरे 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 वो अपने आत्मा में स्थित हो। तो ये ज्ञान का पथ है, मगर यहाँ सूत्र दिया है शिव का सूत्र है, शिव जी के मुख से निकला हुआ है, ज्ञानम बंध। तो वहां ज्ञान का क्या अर्थ होता है, वहां ज्ञान का होता है इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, जगत का पूरा लाइब्रेरी का बुक को कंठस्थ किया जाए और अपनी मेमोरी से उसको रिसाइट कर सके, फिर भी उसके अंदर में अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है, उसके अंदर में रियली आत्मस्थिति नहीं है। रियल आत्मस्थिति होना माने अहंकार शून्य होना, वासना शून्य होना। और जो आत्मा से सचेत हो गया है, ऐसी अहंकार शून्य वासना शून्य आत्म सचेतता है, तो ये ज्ञान का फल निश्चित है। मगर जो खाली शब्द में ही रम गया है, शब्द में ही फंस गया और उसको ही ज्ञान समझता है, तो ये ज्ञान भ्रांति हो गई। ऐसे ज्ञान भ्रांति जिसको होती है, शंकराचार्य उसको ही मूढ़ बोलते हैं। जानते हुए भी जो वंचित रह जाता है वो मूढ़ है। परमात्मा के स्वरूप को तो जानता है, विचारों से तो परमात्मा के संबंध में सब कुछ उनको ख्याल है, मगर हृदय में उस परमात्मा के लिए प्रेम का एक बिंदु मात्र भी जिसके अंदर में नहीं है, ये पोंगा पंडित है। ऐसा ज्ञान वो बंध के कारण है। मगर अगर उसके हृदय के अंदर में प्रेम आ गया और ये इन्फॉर्मेटिव ज्ञान न भी है, प्रेम उसको तार देता, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये जो बात है शंकराचार्य ने आरंभ की है, वो विवेक का आरंभ है। रामकृष्ण को जब पढ़ने को बोला गया, यही बात आती है, तब रामकृष्ण ने सीधा ही देख लिया जी, ये सब पंडित लोग, क्योंकि वो तो ब्राह्मण परिवार का था और संस्कृत पढ़ते हैं, थोड़ा पूजा इत्यादि सीख लेते हैं, मृत्यु के समय की पूजा, जन्म के समय की पूजा, उपवत के समय का रिचुअल्स, मृत्यु के समय का रिचुअल, शादी के लिए रिचुअल्स, ये ब्राह्मण का जो क्रियाकांड है सीख लेते हैं, और संस्कृत का वो सब मेमोराइज कर लेते हैं। जरूरी है,
मगर यही सब नहीं है। तो ये सब सीख लेते हैं तो रामकृष्ण ने देखा, क्योंकि वो तो वही परंपरा में है, कि ये लोग सीख करके आखिर होता है क्या। बरसों तक सीखा मगर लाता है तो चाल कुमड़ा, बांध करके पोटली लेके आता है और कुछ दक्षिणा लेकर के आता है, उससे उसको मिला क्या। संसार तो चलता है कैसे भी करके, बच्चे होते रहते हैं और खाना लेके आता है और उसमें ही तो संसार, मरते हुए तो अपने सामने सबको देखते हैं। सेंसिटिव माइंड, विवेकी माइंड, सत्य दृष्टा होती है। जिनका सेंसिटिव माइंड नहीं है और मूड जो है तो वो उनकी स्पष्ट दृष्टि, सत्य दृष्टि नहीं होती है। इसलिए रामकृष्ण ने बोला, अमी चाल कोला बांदार विद्ये चाइना। रामकृष्ण ये नहीं नहीं रक्षति दुक्रिं करने का अगर जवाब है तो ये रामकृष्ण जो बोलते हैं, अमी चाल कोला बांदार विद्ये चाइना, पूजा तो ये भी सीखे, श्लोक तो उन्होंने भी पक्के किए थे स्कूल में जाते हुए भी, मगर वो सब भक्ति के लिए थे। तो माँ को जीवंत देखते थे, तो माँ को पुकारते थे दर्शन के लिए और माँ ने उनको दर्शन दिया और पूरे विश्व में व्यापक जो माँ, उस माँ का प्रकाशमय रूप उन्होंने देखा, देखा जे उस प्रकाश की तरंग मैं भी हूँ और उस प्रकाश और मैं मुझे मेरा प्रकाश नाम रूप से अलग दिखाई देते हुए पर भी प्रकाश तत्व से, चैतन्य तत्व से अलग नहीं है, उनकी अनुभूति हो गई, वो तर गए। मगर दूसरे नहीं नहीं रक्षति दुक्रिन करने। तो शंकराचार्य का ये जो स्तोत्र है भज गोविंदम, इसका एक दूसरा नाम भी है, बहुत सुंदर नाम है, मोह मुद्गल। मोह को पिटाई करने वाला, तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने, मुद्गल मने क्लब, गदा, या मुद्गल होते हैं वो जो एक्सरसाइज करते हैं ना लंबा साइज, उसको भी मुद्गल बोलते हैं, हमारे भाषा में तो भी उसको मुद्गल ही बोलते हैं। गदा को भी मुद्गल बोलते हैं, वो कुछ खंड अनाज पीसने वाला जो बड़ा है उसको भी मुगुर, ऐ तो वही मुगुर, वही मुद्गल, यही मुगुर, यही मुगुर लेके शंकराचार्य सबायर माथाते और पीठे मारछे। मूढ़ मते भज गोविंदम, भज गोविंदम, अच्छा सा पिटाई करके शंकराचार्य सबको सिखाते हैं। रामकृष्ण बोलते हैं ना कि उत्तम वैद्य, एक वैद्य बोलता है ये दवा है खा लेना, एक वैद्य बोल समझा के बोलता है भाई इसको खा लेना और दूसरा मुख पकड़ के अंदर के घुसा देता है। शंकराचार्य यहाँ जो है लाठी मार के समझा रहे हैं, आगे जो आएगा ना बहुत कड़े कड़े शब्द आएंगे, प्रेम से बोलते हैं मगर कड़े कड़े शब्द। माँ अपने छोटा बच्चा कोई गोलमाल करने से फटकारती है ना, शंकराचार्य अच्छा सा फटकारते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है मोह मुद्गल। तीसरा नाम एक है चरपट पंजरी का स्तोत्र, इसका नाम चरपट पंजरी, चरपट का माने होता है चमाट मारना। एक एक जो श्लोक आएगा, एक एक श्लोक में जैसे शंकराचार्य फटास 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 सबको जैसे चमाट मारते हैं, मूर्ख समझ, मूढ़ मते समझो समझो समझो, क्या तुम कर रहा है, अरे तुम आगुन में हाथ डाल रहा है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम जलते हुए घर में प्रवेश करना है, तुम तो मरना और जलना तुम्हारा तो निश्चित है, और ये मरना और जलना और सब क्या है, एक एक श्लोक में हमको ये सब उद्घाटित तो होने लगेगा, ये बहुत सुंदर है। इसलिए ये शंकराचार्य का जैसे भाष्य वाले ग्रंथ है वो तर्क की उहापोह, खंडन मंडन की उहापोह के सब ग्रंथ है, मगर ये उहापोह का कोई भी बात इसमें शंकराचार्य ने टच नहीं, ये प्रक्रिया ग्रंथ है, ये तुम्हारी बाधा है, ये तुम्हारा जीवन का ध्येय है, ये बाधा को दूर करो और जीवन के ध्येय के पाओ, सीधी सिंपल बात। और इतना सुंदर से काव्य में लिखा है कि ये काव्य सुनने में भी मन मस्त हो जाता है। सुब्बा लक्ष्मी ने ये भज गोविंदम पाकर गा करके तो प्राइज पाया था, तो ये गान करने में भी बहुत सरल है, इसका रिदम भी बहुत सुंदर है,
काव्य की दृष्टि से एक बहुत उच्च कोटि का रिदम, और उसकी संस्कृत भाषा की सरलता, उसके सुंदर शब्दों के आयोजन, ये एक अद्भुत काव्य है जो शंकराचार्य से हम लोग को मिले हैं। ये अभी हमारी चर्चा चलती रहेगी भज गोविंदन के ऊपर में। आज इतना ही। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।